आज दिल मन मौजे। चले वापिस, तो यहाँ से हमारा नया ब्लॉग शुरू होगा आगे से। तो यहाँ पे चला हुआ है खाने पीने का सिस्टम, और कान्हा जी को भी खिला रहे हैं खाना, और इसको भी खिला रहे हैं खाना, और मेरे को कोई नहीं खिला रहा खाना। पैराग्लाइडिंग होती है देखो, और काफी ज्यादा अलग अलग गेम में भी होंगी यहाँ पे, तो आगे जाके देखते हैं। पहले ये देखो ऊपर पैराग्लाइडिंग, देखिए क्या मजे लगे हैं यार, यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं। वाओ सूट, कितने सारे पैराशूट है यहाँ पे, आप लोगों को पैराशूट पैराशूट दिखाई देंगे। खतरनाक वाला व्यू है ऐसा, काफी टाइम पहले आई थी मैं यहाँ पे। मम्मी जाना है अगर मैं ऊपर उड़ी और नीचे नहीं उतरी तो। छोटे वाले ने बताया 1000 का, और दूसरा वाला है 3300 रुपए का, तो हम नहीं जाएंगे अब। हमें कोई खुशी नहीं है, डर भी लगता है, नहीं जाना है। ड्रेस पहनी थी तो इसके फोटो मैं अलग से अपलोड करूंगी। और अब जा रहे हैं हम वापस बस में, क्योंकि अब ये हडिमते भी जाना है, और क्या है, बिजली देवी, हाँ बिजली महादेव भी जाना है। तो एक दिन में हम 4-5 जगह घूम रहे हैं। अगले ब्लॉग में करेंगे, अगले ब्लॉग में किसी और टाइम करेंगे पैराग्लाइडिंग, जब फ्री होंगे और एक्स्ट्रा टाइम में आएंगे 2-4 दिन के लिए, और 2-4 दिन के लिए आएंगे तब करेंगे। अभी इतना ठीक है, नॉर्मल था। अरे मम्मी नॉर्मल से ठीक नहीं है। हाँ जी हाँ जी, तो अभी जा रहे हैं। एक मेरे दिल्ली ये भी कर रहा था लेने का। उफ। तो बस वाले सभी वेट ही कर रहे हैं वहाँ पे, और हम हैं जो रहे हुए हैं सबसे लास्ट, क्योंकि हम पानी लाने चले गए थे वहाँ पे, और तो हमें लेट हो गया थोड़ा सा। अभी का हाल देखें, कितना ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये मधुमक्खियाँ, इनमें मखीर निकल रहा है। हम
और ये जा रहे हैं अडिम्बा देवी के लिए, और इसको अपनी भाषा में द्रैगले बोलते हैं। कान बंद हो गए, अगर आपके बस ट्रैवल में कान बंद हो जाते हैं कैसे करें? ये लेडीज कौन है? मैंने पहले सोचा बाहर खड़ी होगी कोई। इतनी ज्यादा सेल लगी हुई हो रहा, देखो गर्म कपड़े कौन पहनता होगा इतनी गर्मी में। यहाँ पे होगी लोगों को ठंड, इसलिए लोग डालते होने। तो यहाँ से अडिम्बा माता टेम्पल अभी काफी ज्यादा आगे है, दूर है मतलब। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी चलो, चल नहीं रहे। और एक मैं पहले भी आई हुई यहाँ इस रास्ते पे, तो मेरे को रास्ता पता है। तो भी बोल रही हूँ इनको भी फटाफट चलो। जब हम आए थे तो इस रोड पे बर्फ ही बर्फ थी। घर हो तो ऐसा, मतलब ये होटल है वैसे तो, पर घर हो वैसा। पहुंचे नहीं, काफी देर हो गई है। चलते चलते बड़े बड़े पत्थर, चील की खुशबू। चल वो चल, हमारी साइड में मक्की उगा रहे हैं और ये खा रहे हैं। तो बस हम पहुंचने वाले हैं अब। यहाँ पे भी काफी ज्यादा थक गए हम, तब से चले हुए हैं। इन्होंने पानी की बोतल लेनी है, नहीं वो कड़वा होता है पानी, वो कड़वा होता है। और ये सादा पानी ढूंढ रहे हैं, सादा पानी यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा यहाँ। फाइनली हम पहुँच गए मंदिर। परली साइड जाना यार, मम्मी जूते खोल ले। देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है मंदिर उस साइड, परली साइड, और लाइन यहाँ से लगी हुई है। मैं भी इस लाइन में पीछी हूँ। दर्शन है मुश्किल, लाइन है बहुत बड़ी। लाइन है ये पीछे, ये आगे, आगे। पहली बार देख कितनी लंबी लाइन है, और लाइन आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ में लाइन में चलते चलते। बकरी की सींग देखो, ये भी देखो बकरी की मुंडी। सच में लाइन देखो कुछ तक, पुराने मंदिर ऐसे होते थे। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापिस। तो हम आए थे दूसरी साइड से और जा रहे हैं इस साइड से, क्योंकि दूसरी वाली साइड जो है काफी ज्यादा वो पड़ रहा है, हमें फेर पड़ रहा है। तो हम इस साइड से जा रहे हैं यहाँ से होके। पान इधर आओ बेटा, आ जाओ आपको भी। बड़े बड़े पेड़, ये छोटे छोटे लोग, और ये हम जैसे नादान पड़ेंगे। पाना काफी ज्यादा अच्छा था। मेन मार्केट से होते हुए नीचे जाता है और शॉर्टकट भी है। पेड़ बहुत अच्छे हैं यहाँ के, हालत खराब हो चुकी है बहुत। पीपल वैली हम चल चल के थक गए यार कसम से, इतना तो नहीं है। मैं कभी मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गई हूँ इतना चल रही हूँ मैं। पैर बोल रहे हैं मत चल मत, और मैं बोल रही हूँ चल पड़ चल पड़, तू बेशरम चल पड़ो। मम्मी मेरी वहाँ चले, मैं चले जाती हूँ वहाँ पे। आगे हम सीधे पहुँचे मार रोड मनाली में, कुछ ऐसा व्यू है वहाँ का। आज मार्केट बंद होनी चाहिए थी वैसे तो, संडे है, पर फिर भी मेरे को लगता है यहाँ नहीं करते होने लोग बंद। जो है बस स्टैंड में लगी थी तो हम यहाँ पे आए बस स्टैंड में ही। ये मनाली का बस स्टैंड, HRTC बस स्टैंड मनाली। तो मैं उस रोड से गई थी और वहाँ से यहाँ को देख रही थी, अब यहाँ से वहाँ को देख रही हूँ मैं। आराम फील हो रहा है। 5:29 और अभी निकले हम मनाली से, तो
देखते हैं अभी बिजली महादेव का प्लान कैंसिल हो गया शायद, अभी जाके देख लगेगा पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। कितनी बड़ी बड़ी बसें हैं यहाँ पे लॉन्ग रूट की है, मैं दिखाती हूँ आपको कितने बड़े बड़ी हैं। Thank you.